बस मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे यहाँ पर ऐश्वर्या राय और उनकी खूबसूरत बेटी आराध्या के बारे में। जी हाँ, बता दें कि एक पुरानी वीडियो और फोटोज लगातार वायरल हो रही है आराध्या और ऐश्वर्या के, जिसमें ऐश्वर्या राय ने सिल्वर कलर का सूट पहन रखा है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। वैसे तो आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय तो हमेशा से ही खूबसूरत रही है और लोगों के दिलों पर राज भी करती रही है, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ दिनों में सुर्खियों में आती रहती है। लेकिन उनकी बेटी आराध्या तो लगातार ही सुर्खियों में बनी रहती है। अभी क्रिसमस के लिए भी उन्होंने एक गाना गाया था और थोड़ा डांस भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि हम क्रिसमस को क्रिसमस के दिन ही मनाएं। लेकिन अब फिर से एक बार सुर्खियों में आ रही है उनकी बेटी, और ये मामला ये है कि जो फोटो वायरल हुई है और वीडियो वो काफी पहले की है, जिसमें आराध्या बहुत ही सुंदर डांस करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने रेड कलर का ड्रेस पहन रखा है जो फैंस को काफी ज्यादा भा रही है। लेकिन इस चीज को लेकर अभिषेक बच्चन भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने अपनी बेटी को ये शिक्षा दी है कि हम लोग एक बच्चन परिवार से और हमारा नाम बहुत बड़ा है, तो हमेशा उस चीज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करें। ये शायद उन्होंने इसलिए कहा है उन्हें क्योंकि अब हम जैसे फिल्में और फोटोशूट लगातार देखते ही रहते हैं कि लोग सारी हदें पार करके ही फिल्मों में एक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद जो पुरानी चीजें थी वो अब नहीं चल पाएगी और ये सब वायरल या फिर ये सब करने पर ही हम लोग फेमस हो पाएंगे। लेकिन वहीं पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, यहाँ तक कि ऐश्वर्या और जया भी लगातार अपनी बेटी आराध्या और पोती को समझाते हैं कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा नाम बहुत बड़ा है और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हमारे नाम पर दाग लगे। लेकिन अब बता दें कि वर्क फ्रंट की बात करें तो ऐश्वर्या की भी यहाँ मूवीज आने वाली है और अमिताभ तो कोरोना को साइड में रख के अपने काम के लिए घर से निकल चुके हैं और अभिषेक भी नई फिल्मों में दिखने वाले हैं। अभी आपकी क्या राय है इस चीज को लेकर और आराध्या को लेकर कि उनके लुक्स के साथ कैसी लगती है वो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।